आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि को चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने आज सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि कुछ मेडिकल माफिया योग और आयुर्वेद की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पतंजलि के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है। कुछ मेडिकल माफिया योग और आयुर्वेद की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पतंजलि के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कल से मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क से।